और ए भाई लैंड करा दे, ए भाई लैंड करा दे। गाइस गुड मॉर्निंग, और रात को कैसे तैसे हम होम स्टे किया हमने, बट रात को बहुत ठंड थी। पूरा प्लान था जाने का हाले, बट नहीं जा पाए बिकॉज इस तारकोल वाली रोड के ऊपर एक एक इंच की बर्फ़ जम चुकी थी और गाड़ी हमारी यूँ स्लिप हो रही थी, इसलिए हम नहीं जा पाए। तो आप सामने देखिए, ये देखिए सामने चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, तो इसलिए ऐसा रिस्क ना लें। अगर स्नोफॉल हो रही है तो भैया रुक जाइए कहीं पे, नहीं तो आपका जान का खतरा भी हो सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर। हमने सोचा बाइक से नहीं जाते, पैदल ही जाते हैं बिकॉज बॉडी भी गर्म हो जाएगी थोड़ा, और नज़ारों के मज़ा भी ले लेंगे, है ना पाजी? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये होम स्टे है ना, हम यहाँ रुके थे, काफी मजा आ रहा है। ये हमारे पाजी आगे चल रहे हैं और ये फयाज, और ये हम हैं, ये हम चल रहे हैं। कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही भाई लैंड करा दे, ए भाई लैंड करा दे। A few moments later, हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, मतलब नाश्ता करने के लिए इस जगह आए हैं, जहाँ पे नाइट में हमने चाय भी पी थी। नाश्ता हमारा लग चुका है, पराठा विथ छोले और दही, और यहाँ इन दीदी से हम ले रहे हैं थोड़े से कैश बिकॉज यहाँ का जो ATM है वो नहीं चल रहा है, तो दी से लिए हम लोगों ने पैसे, जो दी हमको, हम उनको फ़ोनपे कर रहे हैं और दी हमें ट्रांसफ़र करेगी। देन ठीक है गाइस, मिलते हैं रूम पे वापस से। 1 hour later, जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा कि आप देख रहे हो JDS के मोटो ब्लॉग्स, और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से उमिगला के लिए। गाड़ी रेडी है, पाजी हमारे रेडी, पाजी दूसरी रेडी हो? बिल्कुल बिल्कुल, पाजी भी रेडी है, हम भी रेडी है। और सुबह का मौसम आपने देखा ही था, गाड़ी पे कितनी बर्फ जमी हुई थी और चारों तरफ बर्फ थी। अब सब खत्म हो चुका है क्योंकि जो धूप है काफी तेज हो चुकी है। बात ऐसी है, सुबह आपको मिला था, मैं नाश्ता वास्ता करने के लिए जा रहा था, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो पर रात तो हुआ यूँ था क्योंकि हम निकले तो घर रात को, रोड तो अच्छी थी जैसे आप देख रहे हो कि हाईवे है, बट एक्चुअली हुआ क्या, स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया था। जैसे आप देख रहे हो साथ में स्नोफॉल हो तो कुछ नहीं है, यहाँ सड़कों पर भी 1-2 इंच की बर्फ़ जम चुकी थी, इस वजह से बाइक चल नहीं रही थी ढंग से, और ज़्यादा तेज चलाते हो थोड़ा भी कोई ब्रेक लगाते ना स्लिप होने का डर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से हम लोगों ने वापस हम पीछे आए उसी गांव के अंदर जहाँ हमने थोड़ा ब्रेक लिया था छोटा सा,
एक्चुअली उन्होंने पूछा था लोकल से कि सर मौसम कैसा है, रास्ता कैसा है, उसने बोला रास्ता ठीक नहीं है आपको, तो हमने सोचा कवर कर लेंगे, रोड तो पक्की दिख रही है, बट हमने अपनी होशियारी जमाई तो कोई नहीं, बाद में गलती का एहसास हुआ हमारी, तो हम खुद पीछे आए वापस और रात को ही स्टे किया। ये जान है हमारी, इसी के लिए तो हम जी रहे हैं इधर, इसे इतना कॉन्फिडेंस है और इंडियन आर्मी का सैल्यूट है। तो गाइस अभी अपने चेक पोस्ट को मैं एंट्री करवा चुके हैं और अभी हमें भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर पर, और एक्चुअली तिब्बत जो भी है वो चाइना के अंडर के अंदर ही है। अब सारा चाइना इंडिया को कवर करना चाहता है, बट ऐसा उसको सपने में ही मिल सकता है, जेल में नहीं हो सकता ये चीज़। चलो लोग नया कर रहा है फोटोशूट वगैरह, लोकेशन काफ़ी प्यारा था और मोइन को मन कर रहा है यही सो जाए, इसकी आदत आप जानती हो, कभी फुटपाथ पे, कभी रोड पे, कभी लकड़े के भुट्टे पे सो जाता है। ठीक है, अब चल रहे हैं हम लोग यहाँ से हलने के लिए, हलने यहाँ से 20 किलोमीटर है, देन मिलते हैं हलने पे और उससे पहले गाड़ी पे। फाइनली हालने पहुंच चुके हैं, देन अब जा रहे हैं हम लोग ओमिंगला और यहाँ पीछे हमारी हुई है एंट्री और अपनी पैंथर, अपनी जगीरा, पाजी दी बुलेट, और अभी हम लोग जाएंगे हालने, पहले हालने से होते हुए हम लोग निकलेंगे ओमिंगला, और ओमिंगला ऐसे पड़ेगा हम लोगों को 2.5 घंटे का रास्ता, देखते हैं पहुँचते टाइम से या नहीं। बने रहिए हमारे साथ आज तक, हमारे साथ ZS के मोटर व्लॉग पे और हमारे पाजी के साथ। तो गाइस मैं हमेशा देखा है, ये भी मैं देख कर आता हूँ कैसा लगता है, ये हमेशा देखता हूँ, मैं भी देख कर आता हूँ। अच्छा